Agriculture, nutrition, and health. Uh, today, we are uh, going to discuss the link between agriculture, nutrition, and health. Basically, agriculture, nutrition, and health are very closely linked phenomena. Smallholders play an important role in the relationship as both consumer and producer at the same time. Shocks to the health and nutritional status of smallholders farm reduce these households' ability to undertake more productive, innovative activities that generate food and income for the smallholder or you can say small uh, size farmers. Such shocks leads to the losses in the physical and financial.

उसकी हेल्थ पे अल्टीमेटली इफेक्ट पड़ेगा और स्माल होल्डर की हेल्थ पे इफेक्ट का मतलब आ, दूसरे लफ्ज़ों में उसकी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी पे इफेक्ट पड़ना होता है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज स्पेशली इन टर्म ऑफ माइक्रो न्यूट्रियट इनटेक इम्पेयर फार्मर्स प्रोडक्टिविटी टू पुअर फिजिकल हेल्थ इन टू इनोवेट एंड पुअर कॉग्नेटिव डिवेलपमेंट हेल्थ शॉक्स जिसको हम कहते हैं कि न्यूट्रिशन uh, की वजह से न्यूट्रिशन लेवल लो होने की वजह से हेल्थ इश्यूज क्रिएट होते हैं तो वो जो हेल्थ शॉक्स हैं फार्मर को एंड द सब्सिक्वेंट लॉस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डेफिनेटली उस हेल्थ लॉस की वजह से uh, चूंकि हम बात रहे हैं स्मॉल होल्डर्स की तो स्मॉल होल्डर्स का जैसे हमने पहले भी जिक्र किया कि स्मॉल होल्डर्स फार्मर्स जो हैं ये फैमिली ओरिएंटेड होते हैं पूरी फैमिली ही उस आ, फार्म पे काम कर रही होती है तो अगर फार्मर की हेल्थ कंप्रोमाइज़ होती है तो अल्टीमेटली एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी दूसरे लफ्ज़ों में कंप्रोमाइज़ हो रही होती है तो अफेक्टेड हाउस होल्ड में स्विच टू लेस लेबर इंटेंसिव क्रॉप्स तो जब एक फार्मर की हेल्थ इफेक्ट हो रही है उसकी हेल्थ इफेक्ट होने से उसकी जो फार्म पे काम करने की प्रोडक्टिविटी है जो एबिलिटी है उस पर फर्क पड़ रहा है तो फिर वो फार्मर जो हैं क्योंकि सबसिस्टेंस के लिए ज़िंदा रहने के लिए अपनी फैमिली को चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो उन्होंने करना है तो फिर वो स्विच कर जाते हैं जहाँ पे उन क्रॉप्स पे जहाँ पे लेबर का यूटिलाइजेशन कम होती है जहाँ पे उनको मेहनत उस लेवल की ना करनी पड़े तो वो उस तरह की क्रॉप्स पे शिफ्ट हो जाते हैं तो वो शिफ्ट होने के अपने डिफरेंट कॉन्सिक्वेंसेस uh, होते हैं न्यूट्रिशन इज एन आउटकम ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस फ्रेम्ड लार्जली एज अ हेल्थ सेक्टर कंसर्न ब्रॉडर रेंज ऑफ फैक्टर इंक्लूडिंग फूड एडिकुसी एंड क्वालिटी आर लाइकली टू रिमेन रेलिवेंट इन द दोर्सिबल फ्यूचर द एवरेज डेली कैलोरीज की अगर हम बात करें तो वो जो रिकमेंडेड uh, हैं वो है ट्वेंटी फोर हंड्रेड कैलोरीज लेकिन हम देखते हैं कि ज्यादातर जो हाउस uh, होल्ड हैं वो लेस देन ट्वेंटी वन हंड्रेड कैलोरीज पर डे ले रहे होते हैं तो एग्रीकल्चर इफेक्ट न्यूट्रीशन आउटकम्स इनडायरेक्टली अंडर न्यूट्रिशन एक्सेस टू फूड एंड फूड प्रोडक्शन हेल्थ एंड केयर इनकम एंड प्राइसेस ऑन हाउस होल्ड फूड सिक्योरिटी तो इनकम और प्राइसेस का भी इस चीज पे बड़ा फर्क पड़ रहा है कि जो प्राइसेस इंक्रीज कर रही हैं और इनकम लेवल लो हो रहा है न्यूट्रिशन इज बोथ एन इनपुट फॉर एंड एन आउटपुट आउटकम ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी द अप्रोप्रिएट एक्शन विल बी आइडेंटिफाइड टू एन एनालिसिस ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ फूड इन सिक्योरिटी अंडर न्यूट्रिशन हमें मल्टी सेक्टरली प्लान करके और उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो हर हर सेक्टर वाइज करनी चाहिए और उस तरह से हम ये जो लिंक है बिटवीन फार्मर न्यूट्रिशन हेल्थ और एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी का इसको हम एक बैलेंस्ड लिंक रख सकेंगे हाउ इज़ फूड प्रोडक्शन अफेक्टेड हेल्थ पहले तो हमने बात की कि जो हेल्थ कंसर्न्स हैं जो हेल्थ शॉक्स हैं जो न्यूट्रिशन इश्यूज़ हैं उसकी वजह से हेल्थ शॉक्स जो होते हैं उसका इफेक्ट पड़ रहा है प्रोडक्टिविटी पे तो अब हम अगर बात करें कि हाउ फूड प्रोडक्शन अफेक्ट हेल्थ तो डिस्पाइट द एविडेंट एंड कॉम्प्लेक्स लिंक बिटवीन हेल्थ न्यूट्रेशन एग्रीकल्चर इम्प्रूविंग ह्यूमन हेल्थ इज नॉट जनरली एंड एक्सप्लिसिट गोल ऑफ एग्रीकल्चर पॉलिसी अब एग्रीकल्चर पॉलिसी जो uh, हमारी डेवलप होती जाती है दिन ब दिन उसमें बेहतरी आती है तो वो सारा उस चीज़ से लिंक कर रहा होता है एग्रीकल्चर कैन अफेक्ट अ रेंज ऑफ हेल्थ इशूज़ इंक्लूडिंग अंडर न्यूट्रेशन क्रॉनिक डिजीज़ इन्फेक्शन इन्फेक्शस डिजीज़ फूड सेफ्टी एंड इनवामेंट एंड ऑक्यूपेशनल हेल्थ जो इन्वायरमेंट है वो बहुत इफ़ेक्ट कर रहा है और जो ऑक्यूपेशनल हेल्थ है वो बड़ी इफ़ेक्ट कर रही है Ill health can result from undernutrition as well as overnutrition. Protein energy and micronutrient malnutrition remain challenges with high variability between and within countries. So yeah, this season uh different mein, different variability uh, food security can be improved.

हमें वो अडॉप्ट करते हुए फूड की प्रोडक्शन को उसकी प्रोसेसिंग को उसकी प्रिजर्वेशन को और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन पे हमें न्यू टेक्नोलॉजीज को एडॉप्ट करना होगा रिड्यूस डायर डाइटरी क्वालिटी एंड डायवर्सिटी एंड इन एक्सपेंसिव फूड विद लो न्यूट्रिएंट डेंसिटी हैव बीन एसोसिएटेड विद इंक्रीजिंग रेट ऑफ वर्ल्ड वाइड ओबेसिटी एंड क्रॉनिक डिजीजेज जब आपकी परचेजिंग पावर कम हो रही है जब प्रोडक्शन फार्मर की कम है प्रोडक्शन उसकी लो है उसकी इनकम कम हो रही है और उसकी परचेज़ पावर कम हो रही है तो फिर इन एक्सपेंसिव जो फूड हैं लोग उसकी तरफ मूव करते हैं और वो डेफिनेटली उसमें क्वालिटी कंप्रोमाइज़ हो रही होती है और जब क्वालिटी कंप्रोमाइज़ हो रही होती है तो वर्ल्ड वाइड दो तरह के आपके क्रॉनिक डिजीज़ में इजाफा हो रहा है और ओबेसिटी में इजाफा हो रहा है ना सिर्फ पाकिस्तान में ये वर्ल्ड वाइड हो रहा है पुअर डाइट थ्रू आउट द लाइफ कोर्स इज अ मेजर रिस्क डाइट जो है ये बहुत बड़ा रिस्क है थ्रू आउट द लाइफ जो आप अपनी डाइट अच्छी नहीं लेते तो so, वो अल्टीमेटली लीड कर रहा है आपकी क्रॉनिक डिजीज़ेस को देयर इज अ नीड नीड ऑफ द आर टू फोकस ऑन कंज्यूमर एंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ डाइटरी क्वालिटी एज मेन ड्राइवर ऑफ प्रोडक्शन एंड नॉट मेयरली ऑन क्वान्टी और प्राइस की क्वालिटी पर हमें फोकस करना होगा क्योंकि ये जो प्रोडक्शन के मेन ड्राइवर हैं इसमें क्वान्टिटी और प्राइस को नहीं हमें क्वालिटी पर फोकस करना होगा तो डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ एडॉप्ट करते हुए जिसमें Uh, आपकी डिफरेंट पॉलिसीज़ हैं जिसमें टैक्सेशन पॉलिसी है ट्रेड पॉलिसी है मार्केटिंग की पॉलिसीज़ हैं एग्रीकल्चर पॉलिसीज में uh, हमें रिफॉर्म्स लानी होंगी फॉर हेल्थ प्रमोटिंग फूड एंड रेगुलेशन ऑफ फूड प्रोटेक्ट फार्मूलेशन लेबलिंग एंड कमर्शल इंफॉर्मेशन उसकी तमाम तर की लेबलिंग और कमर्शल इंफॉर्मेशन तक यानी कि प्रोड्यूस प्रोडक्शन uh, से लेके उसकी मार्केटिंग तक और एंड यूज़र तक ये सारे जितने भी इसमें सेक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं उसमें हमें रिफॉर्म ला उसमें पॉलिसी डिवेलप करके हमें ये इस पर हम बेहतरी ला सकते हैं